नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जी में। यहाँ पे दोस्तों आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी ट्रिक लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आ रहा है, यानी कि जो आपको आईफोन जो 14 यानी आईफोन 14 है जो लॉन्च हुआ है उसी में आपको इस तरह का जो ऊपर नॉच है देखने को मिल जाता है, यानी इस तरह का जो ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है तो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो मेरा फ़ोन है वो एंड्रॉयड का फ़ोन है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए मेरा एंड्रॉयड का MI का फ़ोन है। यहाँ पे आप वर्जन दे सकते हैं, आप इसकी ये मेरा नाम है MI 10i, ये मेरा फ़ोन है। तो आप भी कुछ इसी तरीके से अपने फ़ोन को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आप भी अपने फ़ोन को कुछ इस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। तो उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप अपने वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आपको कैसे क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए जो मेरा फ़ोन है ठीक कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा अब, यानी कि मेरे फ़ोन का जो ऊपर ब्लैक ब्लैक आ रहा था वो गायब हो चुका है ठीक। तो आपको बताते हैं आपको कैसे क्या करना होगा। आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी जो 5 से 6 MB की ऐप है, आपको वो प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा आपको कैसे ऐप डाउनलोड करनी है और ऐप का नाम क्या है ठीक। चलिए आपको बताते हैं आपको कैसे क्या करना है ठीक। तो जो ऐप है पहले मैं उस ऐप को ओपन कर लेता हूँ ठीक। तो यहाँ पर मेरी ये जो ऐप है मैंने इसको ओपन कर लिया है ठीक। तो आप जैसे ही इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे तो आपको परमिशन मांगेगी ठीक। तो आपको उसको परमिशन को अलाउ कर देना होगा। तो परमिशन को अलाउ करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाके यानी जहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन यहाँ से ऑन कर देना होगा ठीक। तो परमिशन ऑन करेंगे उसके बाद आपका ये जो है रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आप देखे आपको ऊपर से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा ऑन हो चुका है ठीक। तो यहाँ पर आपको कई सारी मोड मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए इसको आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं ठीक। यहाँ से इनेबल कर दिया, हट गया ठीक। आप इसको इनेबल करेंगे तो हट जाएगा ठीक। तो ये देखिए, तो आप यहीं से आप इसको इधर मतलब आपके फ़ोन में जहाँ भी कैमरा हो, साइड में कैमरा हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर इस साइड में कैमरा हो तो इसको आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। मेरा कैमरा जो बीच में है तो मैं इसको बीच में रखूँगा ठीक। तो आप इसका साइज भी ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, और इसका जो साइज होता है आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए ये तो आप जितना छोटा करना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं, और आपका साइज यहाँ से ये बड़ा भी साइज हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद फिर इसकी जो हाइट है देखिए उसको पतला और थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं यहाँ से। देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जा रहे होंगे, तो यहीं से आपके आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपको बहुत सारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको जो है देखिए लैंड स्पेस लेफ्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से जो लग गया था वही फिलहाल देखिए मेरे फ़ोन में फिट पड़ रहा है एकदम, और आपको यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहीं से आप अपने इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जो आइलैंड है तो यहीं से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपको बताते हैं आपको इसको डाउनलोड कैसे करना होगा। आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए आपको सर्च करना होगा डायनेमिक आइलैंड ठीक, ISO 16। तो यानी आइलैंड नाम की ये जो एप्लीकेशन है आपको उसको डाउनलोड करने ली होगी। ये करीब 6 MB की एप्लीकेशन है, तो आपको उसको डाउनलोड कर लेनी होगी। यहाँ पे देखिए जो मेरा आइलैंड आ रहा ऊपर, तो आप कुछ इस तरीके से आ रहा है, आप इसको यहीं से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा ठीक। तो क्लिक करेंगे ये देखिए आपको एप्लीकेशन देखने को यहीं से मिल जाएंगी। आप जो भी एप्लीकेशन चाहें यहीं से इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप दूसरी भी कोई एप्लीकेशन हो, यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन जो होगी यहीं से आप ओपन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही हैं, तो आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन जो हो आप यहीं से ओपन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे सिक्योरिटी वाला है, मैंने इसको ओपन किया है, देखिए ये मेरा जो है ओपन हो गया। तो आप यहीं से कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे क्रोम हो गया, फिर कोई और एप्लीकेशन हो गई, तो आप डायरेक्टली यहीं से भी ओपन करते हैं। कुछ इस तरीके से राउंड करता रहेगा जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों एक यही थी छोटी सी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।